मुझे ही क्यों बार बार होता है ये टाइफाइड, ये बुखार मुझे ही क्यों बार बार आता है। कुछ लोगों का ये कॉमन सवाल होता है, कुछ लोगों का ये कॉमन तकलीफ होती है, वो परेशान रहते हैं, 2 महीने 3 महीने या हर साल उन्हें टाइफाइड की शिकायत होती है। अगर आप भी उनमें से है और अगर आपको भी ये टाइफाइड की समस्या बार बार होती है, तो आज इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वो क्या कारण है जिस वजह से आपको ये टाइफाइड का बुखार बार बार होता है, क्या इसके कारण है, इसे कैसे पहचानेंगे, कौन से लक्षण इसमें आपको दिखते हैं और क्या इसका सटीक इलाज करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो आप खुद ही आजमा सकते हैं और खुद ही इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले समझते हैं ये टाइफाइड फीवर है क्या, क्यों ये टाइफाइड आपको होते रहता है। सबसे पहले टाइफाइड के बुखार को समझते हैं। बुखार, इसके नाम में ही फीवर ये शब्द है, और इसीलिए इसका पहला जो लक्षण होता है कि बुखार आ जाना, ये हम लोग तो जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत लोगों को ये इन्फेक्शन होने के बाद पता चलता है कि हमारी आते, जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, वो भी इस टाइफाइड के बुखार में अफेक्ट हो जाती है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पूरी पाचन शक्ति कमज़ोर होने लगती है। सो क्यों होता है ये टाइफाइड फीवर, क्या है इसका कारण। सबसे पहले ये जिस वजह से होता है उस बैक्टीरिया के नाम को जानते हैं, उस बैक्टीरिया को समझते हैं कि ये है कौन। इस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, या हम जिसे कहेंगे साल्मोनेला पैराटाइफी A और B। ये दो जो टाइफाइड के बैक्टीरियाज है, ये जो इन्फेक्टिव एजेंट्स है जिसकी वजह से ये बुखार आपको होता है। सो ये साल्मोनेला टाइफी जो है ये इस बैक्टीरिया का नाम है, और इसी बैक्टीरिया की वजह से आपको आता है ये बुखार। अब ये होता क्यों है, सो इसके रूट को ज़रा समझते हैं, ये कहाँ से आता है इसको ज़रा समझते हैं। अगर आप ये बात को समझ गए तो फिर आप इसे अपने से दूर रख पाएंगे। सो याद रखिए, ये इन्फेक्शन होता है आपके ओरल रूट के थ्रू, यानी कि आप जो खाते पीते हैं इसी रूट से ये बैक्टीरिया आपके पेट के अंदर प्रवेश करता है, एंटर करता है, और यहाँ से ही आपको ये बार बार अफेक्ट करने लगता है। सो ओरल रूट से क्या होगा, ओरल कंटामिनेटेड फूड, जो इन्फेक्टेड फूड है जिसमें बैक्टीरियाज है, ऐसा फूड, ऐसे खाना अगर आप खाते हैं तो ये बैक्टीरियाज आपके पेट के अंदर जाएंगे और फिर आपको ये इन्फेक्शन हो जाएगा, आपको टाइफाइड का बुखार आ जाएगा। अब अगर आपको ये कारण पता नहीं है, डॉक्टरों ने आपको बता दिया कि भाई साहब आपके खाने की वजह से आपको ये हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, हाथ धो के खाएंगे। लेकिन बाद में और एक इसका कारण होता है जो अगर आपने नहीं समझा, तो उसके बाद भी आप खुद प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसके बावजूद भी ये इन्फेक्शन आपको बार बार हो सकता है, तो वो क्या कारण है, चलिए समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप बाहर खाना खाने रेगुलरली जाते हैं? और अगर हाँ ये आपका जवाब है, तो और एक बात समझिए कि ये इन्फेक्शन किसी और के थ्रू भी, या कोई ऐसा कंटामिनेटेड व्यक्ति है जिसे ये इन्फेक्शन है, अगर उसने अच्छे से हाथ नहीं धोया, जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, जो सर्व करने वाला व्यक्ति है, अगर उसने अच्छे से हाथ क्लीन नहीं किए, तो भी ये इन्फेक्शन आप तक पहुंच सकता है। और एक खास बात इसमें समझना ज़रूरी है, हो सकता है ऐसा व्यक्ति जिसे खुद को ये लक्षण नहीं है, वो सिर्फ कैरी कर रहा है, कैरियर है, वो सिर्फ इस इन्फेक्शन को आप तक पहुँचा रहा है, शायद उसे भी इस बात की खबर नहीं है कि वो इन्फेक्टेड है और ये इन्फेक्शन आप तक वो पहुँचा रहा है। सो इस तरह से भी दूसरे व्यक्तियों के थ्रू भी इन्फेक्शन आप तक आ सकता है। अब ये हो गया कंटामिनेटेड फूड एक कारण, डायरेक्टली या तो आपके थ्रू आएगा या किसी और के थ्रू आएगा, किसी वेटर के थ्रू आएगा। दूसरा कारण होता है कंटामिनेटेड टॉयलेट्स। जी हाँ, हम कहीं बाहर जाते हैं, सो टॉयलेट्स अगर इन्फेक्टेड है, हम उसको टच करते हैं, अच्छे से हाथ क्लीन नहीं करते, कहीं बाहर आप घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप टॉयलेट को यूज़ करते हैं, और अच्छे से अगर आपने हाथ क्लीन नहीं किए, तो ये इन्फेक्शन आपके बॉडी के थ्रू, आपके ओरल रूट के थ्रू आपके अंदर जा सकता है, आपके पेट के अंदर जा सकता है, और आपको ये बार बार बुखार आने की समस्या, बार बार टाइफाइड होने की समस्या हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमने करना क्या है। इस पार्ट को, इस पोर्शन को ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको बार बार बुखार आता है, अगर आपका रिपोर्ट बार बार टाइफाइड पॉजिटिव आता है, तो आपने करना क्या है, क्योंकि इसका ज़्यादातर इलाज, ज़्यादातर बचाव
आप ही के हाथ में है। सो सबसे पहला काम आपने करना है, खुद का ध्यान रखिए। आपको बाहर अगर आप कहीं जाते हैं या फिर अगर आप खाना खाने बैठ रहे हैं तो आपको अच्छे से हाथ धोना है, और अच्छे से हाथ धोने का मतलब है साबुन से ही हाथ धोना है। क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स मैं देखता हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम हाथ तो अच्छे से धोते हैं, और जब फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो नहीं करते, पानी के नीचे हाथ ले लेते हैं, वॉश कर लेते हैं और वापस से खाना खाने लगते हैं। सो बहुत बार इन्फेक्शन आप तक पहुँचने की ये वजह हो सकती है। सो अच्छे से हाथ धोइए, अच्छे से साबुन से हाथ धोइए। दूसरी बात याद रखिए, आप कहीं खाना खाने जाते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं, ज़रा समझ के सोच के जाइएगा। आप जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे क्लीनलीनेस कितना है ये देखना ज़रूरी है। क्या जो खाना बना रहा है वो हाइजीनिक है, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में बना रहा है, उसने अपने हाथ अच्छे से धोए? जो सर्व करने वाला वेटर है क्या वो क्लीनलीनेस का अच्छे से ध्यान रख रहा है? और अगर नहीं रख रहा है तो आपको वो भी मेंटेन करना है। आप उनको बोलिए या फिर ऐसी जगहों पर खाना खाने जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्टली आप इनवाइट कर रहे हो उस बैक्टीरियाज को, साल्मोनेला नाम की इस बैक्टीरिया को आप बुला रहे हो, और फिर यही आपके इन्फेक्शन का कारण बन रहा है। अब समझते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कौन से इसमें सिम्टम्स आते हैं, कौन से लक्षण इसमें आते हैं। सो सबसे पहला लक्षण जो आपको पता ही है वो है बुखार। जी हाँ, 7 से 14 दिन ये ड्यूरेशन में ये फीवर आने लगता है, और इसकी एक खासियत होती है, जैसे जैसे दिन होता है ये बुखार बढ़ जाता है, इस तरह का स्पाइक बनता है, फिर दूसरे दिन सुबह ये कम होने लगता है, फिर से ये बढ़ने लगता है। सो इस तरह का स्पाइक ये बनाता है। सो बढ़ना कम होना, बढ़ना कम होना, इस तरह का बुखार ये टाइफाइड में आपको देखने मिलता है। अब बुखार के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो है आपके पेट की तकलीफ़। आपको पेट की तकलीफ होने लगती है। बहुत लोग नहीं जानते कि बुखार के साथ पेट की तकलीफ़ अगर है तो हमने टाइफाइड की तरफ ज़रूर देखना चाहिए, हमने समझना चाहिए क्या ये बुखार टाइफाइड का तो नहीं है। सो पहले हफ्ते में क्या होगा, बुखार और पेट में तकलीफ, ये दो चीज़ें होने लगेगी। और पेट की तकलीफ की भी कुछ स्पेशलिटी होती है, जैसे आप टच करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। ये होगा स्पेशली राइट साइड में, राइट साइड के आपके एब्डोमिन में ये तकलीफ आपको शुरू होगी। सो बुखार, पेट दर्द, और होते हैं इसके साथ साथ कुछ लक्षण, जैसे कुछ लोगों में बार बार खांसी आती है, सूखी खांसी उनको आती है, कभी कभी सर दर्द होता है, स्पेशली फ्रंटल रीजन में, सामने के सर में उनको दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस वो महसूस करने लगते हैं, गलावट वो महसूस करने लगते हैं, थक जाते हैं जल्दी से, कभी कभी उनकी सांस फूलने लगती है। और एक सिम्टम इसमें देखने जैसा होता है, कुछ लोगों में पाया जाता है कि उनके छाती पर लाल रंग के डॉट, चट्टे ऐसे आने लगते हैं, इन चट्टों को हम रोज स्पॉट्स भी कहते हैं, फिर ये अपने आप कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर टाइफाइड की ट्रीटमेंट न की जाए, ये टाइफाइड बढ़ता जाए, तो फिर दूसरे हफ्ते में और कुछ लक्षण आने लगते हैं, जैसे पेट फूलने लगता है, पेट का आकार उनका बढ़ने लगता है, डाइजेशन उनका डिस्टर्ब होने लगता है, उनको खुद को महसूस होने लगता है, फूला फूला सा पेट उनको दिखता है, जिसे हम हमारी मेडिकल भाषा में कहते हैं एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट का फूलना। फिर आपके जो स्प्लीन है जिसे तिल्ली कहते हैं, उसकी भी साइज़ बढ़ने लगती है। तो ये साइज़ बढ़ने की वजह से भी डिस्टेंशन या पेट की तकलीफें पेशेंट को होने लगती है, पेशेंट की जो पल्स है, जो नाड़ी है, वो बढ़ जाती है, फिर पेशेंट की भूख कम होने लगती है, और खाना बराबर नहीं खाने की वजह से, डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट का वज़न भी ड्रास्टिकली कम होने लगता है, और इसी वजह से उसको चलने में भी दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, आँखों में तकलीफ होने लगती है, जिसे हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, और फिर ये बीमारी और अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो उन्हें दस्त लगते हैं, जो हरे कलर के होते हैं, बदबूदार ऐसे दस्त पेशेंट को लगते हैं, और आगे चल के ये इन्फेक्शन आतड़ियों में बढ़ता है, आतड़ियों को और ख़राब करने लगता है, और जिसकी वजह से दस्त के बाद की जो कंडीशन होती है वो होती है आतड़ियों से खून निकलना। सो कुछ पेशेंट्स में पाया जाता है कि पेट के अंदर ज़ख्म हो जाते हैं, आतड़ियों के अंदर ज़ख्म होने हो जाते हैं, या फिर परफोरेशन के जैसी कंडीशन होती है, आतड़ियों से ब्लड निकलता है, खून निकलता है, और इसीलिए खुद की केयर यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है, सही ट्रीटमेंट लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। और यही कारण है कि आपने, अगर आपको बार बार ये बुखार की शिकायत होती है तो इसके कारणों को समझना चाहिए, कंटामिनेशन कैसे होता है जो मैंने आपको पहले बताया, उसको समझना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। और साथ ही एक बात याद रखिए, अगर आपको बार बार ये तकलीफ़ हो रही है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आप होम्योपैथी ज़रूर लीजिए। होम्योपैथी की दवाइयाँ आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करती है, और साथ ही इस टाइफाइड के बार बार होने वाले इस खतरे को आपसे दूर करती है, इस खतरे से आपको बचाती है। सो आपको करना क्या है,
आपको करना है, खुद को बचाना है, खुद का प्रिवेंशन करना है, कुछ केयर करनी है, साथ में होम्योपैथी की ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं और खुद का ध्यान रखिए। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको दी है, आपको समझाई है। सो बाकी लोगों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पहुँचाइए। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, मुझसे आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। सो सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।